हाँ लव ऐसे ही होता है, लव ऐसे होता है, लाइक ऐसे होता है, ओके ऐसे ही है ना। Are you guys making this up? अभी? अरे नहीं यार, नहीं सच में ऐसा होता है यार। देखो राहुल सर आपकी वजह से 100% trust issues guys, trust issues. When a Punjabi has a Tinder account, it's called a Tinder. Tinder. He has a Tinder account. और घर पे सब्जी बनती है Tinder की सब्जी। Do you also believe कि लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? कुछ ना कुछ उनके बीच सेटिंग हो ही जाती है। मैं मतलब पता नहीं थी, मेरी तो है काफी दोस्त बिना सेटिंग हुए, बट हाँ है, मैंने प्यार किया, मैंने भी देखी, आपने भी देखी है। So, he's obviously been burnt by the friend zoning. हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आज मेरे साथ है द वेरी टैलेंटेड स्टार कास्ट ऑफ बर्लिन। वी हैव राहुल बोस, अपार शक्ति खुराना, इशफाक सिंह एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ अतुल सभरवाल। आई नो कि इस फिल्म के लिए आपने बहुत मेहनत की है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया है, साइन लैंग्वेज सीखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक साइन लैंग्वेज का एक लेसन। सो मैं कुछ चीज़ें बोलूंगी और आपको मुझे बताना है कि उसे साइन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। यू लुकिंग वेरी क्यूट। ये अलग अलग आया है, क्यों अलग का है? सही क्यों है? क्यूट मैं कुछ और, उनका उनका क्यूट कहने का तरीका अलग है, मेरा क्यूट कहने का तरीका अलग है। अटर नॉनसेंस दैट दे हैव डन जस्ट नाउ, हाईली डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट, ओके, आई विल गिव द मार्क्स। आई एम जस्ट लविंग दिस कन्वर्सेशन या मुझे दे, लेट्स ओके, पर्चे पर्चे सेम कर लो। लव कैसा था? लव लाइक नहीं, एक मिनट, आई कन्वर्सेशन लव। ओह, दिस वन वाज वेरी इजी। हां, लव ऐसे ही होता है। लव ऐसे होता है, लाइक ऐसे होता है, ओके ऐसे है ना। आर यू गाइस मेकिंग दिस अप अभी? अरे नहीं यार, नहीं सच में ऐसा होता है यार। देखो राहुल सर आपकी वजह से 100% ट्रस्ट इश्यूज गाइस, ट्रस्ट इश्यूज। सो मजा आने वाला है। कैन यू आल्सो रिपीट? दिस इज फीलिंग, दिस इज फीलिंग बहुत ज्यादा मजा। सॉरी हां, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, वी फॉरगॉटन। फिल्म में इतनी बुरी नहीं है। आपकी जो इंस्ट्रक्टर होगी वो देख रही होंगी। आई जस्ट लाइक नोबडी इज गोइंग टू वॉच द फिल्म, वी आर डूइंग सच अ बैड शॉडी जॉब, दिस इज कंप्लीटली, दिस इज गोइंग टू, तभी कह रहे थे मत करवाओ साइन लैंग्वेज। आई एम गेटिंग वेरी टीचर वाइब्स फ्रॉम यू, बिल्कुल ऐसे कि साइलेंट। हमें तो आपसे आ रही है टीचर वाइब्स, करवाने लगे हैं दोबारा से। चलो दो टीचर्स के बीच आप फंस गए हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लेट्स गो। द फर्स्ट वन इज टू इशफाक, सिंस आपने बिना किसी डायलॉग के आपने पूरी फिल्म में अपना रोल किया है, सो व्हाट वाज द वेरी चैलेंजिंग रोल सीन फॉर यू? हां मतलब इट्स ऑल इन द डायलॉग्स, आई मीन इट्स ऑल इन साइन लैंग्वेज, एंड बिकॉज आई लर्नड इट वेल। उसको एक होता है कि आप यू लर्न इट बाय रोट, और एक होता है कि आप उसको समझ के प्रॉपर, जैसे हाँ जैसे हम समझे, हमने पूरा उसको क ख ग से समझना शुरू किया और उसको प्रैक्टिस की, और दिनचर्या में मतलब लोगों से ऐसे बात करनी, कम्युनिटी के साथ भी हम बात करते थे, तो फिर उस तरीके से क्या होता है कि इट बिकम्स अनदर लैंग्वेज। जैसे मैं हिंदी, आई एम बायलिंगुअल, सो देन दैट आल्सो बिकम्स माय नेचुरल चॉइस ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन आई एम ऑन सेट। तो इट्स दैट, इट्स नॉट दैट यू नो ही डजंट हैव डायलॉग और ही इज साइलेंट, ही इज साइनिंग, जस्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। All right. उसके पास हैं बातें कहने को, उसका बातें कहने का तरीका और लैंग्वेज अलग है। बिल्कुल। सो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि अगर आपके कैरेक्टर्स का डेटिंग प्रोफाइल होता तो व्हाट वुड द बायो से? स्वीट बॉय, वेरी क्यूट मुंडा। स्वीट बॉय, स्वीट बॉय, ओके। एंड राहुल योर्स? योर्स सोंधी। सोंधी डेटिंग प्रोफाइल क्या होती है? सोंधी, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, यू टेल मी। स्वीट बॉय, greatest. For that we'll need पुष्किन का बायो होता पुष्किन वर्मा, मुझे साइन लैंग्वेज के अलावा प्यार की लैंग्वेज भी आती है। अच्छा, maybe something like that. So am I right, sir? Obviously not. This you know, Pushkin's mother is trying to get him married. But this confirms one thing for sure. He definitely has a Twitter girl. Dating profile. He definitely has a Tinder account. When a Punjabi has a Tinder account, it's called a Tinder.
टिंडा और घर पे सब्जी बनती है टिंडर की सब्जी. सो अतुल दिस वन्स फॉर यू कि फिल्म में बर्लिन का कहीं जिक्र नहीं है एंड हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि व्हाई द नेम इज बर्लिन. सो क्या कॉन्टेक्स्ट है? शायद इसीलिए है कि एक इंट्रीग पैदा करता है, यू नो, एक उस दौर की, उस जमाने की जो हिस्ट्री है उसमें जर्मनी का एक खासा रोल रहा है, इंडिया का सोवियत यूनियन और ईस्ट जर्मनी से एक इंटरेक्शन रहा है. मतलब वो तो बहुत सी बोरिंग बातें होंगी बट हाँ, एक इंट्रीग पैदा करता है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क कि कोई भी फीमेल लीड नहीं है इसमें, ये आपने लाइक सोच के रखा था या एकदम से ऐसा हो गया कि जब लिखने बैठे तो? नहीं, एक्चुअली उसमें दो चीज़ें थी. कहानी दोस्ती की थी पर अब फर्ज करें एक ही कैरेक्टर था जो फीमेल हो सकता था, क्योंकि अगर मैं इनको इनके कैरेक्टर को फीमेल बना दूं तो लोग कहेंगे देखो खाम खाम में एक बुरा रोल था वो भी एक औरत को पकड़ा दिया. है ना, आप सेक्सिस्ट बन जाएंगे. दूसरा तो इनका एक रोल था जो हो सकता था बट वो फिर एक रोमांस की तरह देखा जाने लग सकता हो सकता था. Do you also believe कि लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उनके बीच सेटिंग हो ही जाती है? मैं मतलब पता नहीं, मेरी तो है काफी दोस्त बिना सेटिंग हुए बट हाँ है, मैंने प्यार किया, मैंने भी देखी, आपने भी देखी है. So he's obviously been burnt by the friend zoning. Friend zoning? No, of course men and women can be friends. But what do you think, girl friendship ज़्यादा better होती है या boys की friendship आपस में ज़्यादा better? That's why I said. Who can tell? I mean, I don't know. I'm not a girl. I mean, about boys you can tell. ये कह रही है boy boy और a boy girl. The which is more दोस्ती दोस्ती होती है. Yeah, it's not gendered. So this one's for all of you again. कि a film is going to released on an OTT platform and how you guys have made chill with this fact कि अब थिएट्रिकल रिलीज नहीं होती एंड वी ऑल नो कि थिएट्रिकल रिलीज जब होती है तो थोड़ी ग्रैंड उसको जो लोगों की तरफ से रिएक्शन है वो मिलता है. जब OTT पे जाती है तो कैसे आपने इस चीज़ के साथ रिदम बिठाया? इसका ग्रैंडनेस और यू नो इन सब चीज़ों से लेने देना है नहीं. हर एक फिल्म की एक अपनी जर्नी है, हर एक फिल्म की एक अपनी स्पेस है, हर एक फिल्म की एक यू नो ऑडियंस है एंड देयर सो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट, यू नो. एंड मोर देन दैट, इस समय जो बैक टू बैक OTT प्लेटफॉर्म्स को इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही हैं या इतनी ज़्यादा यू नो वो काम खुद इतना कर रहे हैं, दे रहे हैं, सो मेनी थिंग्स यू नो अटैच टू इट. सो बहुत सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच है ये. देखिए द रिवर्स इज़ ट्रू. यार आप लोगों ने थिएटर में क्यों चलाया होता है, OTT में ये तो बहुत चलती. कितनी बार सुना हमने? सुना कि नहीं? सो इट वर्क्स बोथ वेज. एज एक्टर्स आई कैन से विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट नन ऑफ अस केयर इफ इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रीट प्ले और इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी मिलियन डॉलर थिएट्रिकल एक्सट्रावेगेंजा. व्हाट एम आई डूइंग इन इट? व्हाट इज माय हैवेज, वेयर एम आई गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम? ग्रेट को एक्टर्स, टिक. वंडरफुल डायरेक्टर, चेक. एक्सेलेंट राइटिंग, चेक. उसके बाद आप कहोगे कि ये स्ट्रीट प्ले है, फाइन. एटलीस्ट आई डोंट नो इफ आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, फाइन. वेयर डू यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सच गुड वर्क? यू गेट गुड वर्क, लोग देखेंगे, चाहे वो OTT पे देखे या थिएट्रिकल में देखे, सड़क के नुक्कड़ पे देखे, यू विल स्टिल गेट द रिएक्शन. That is and more than that, Z5 has one of the most, you know, vast subscribers base. You know, so I mean, some amazing movies. Yeah. Especially, so I think in movies, Z5 is right up there. It's one of the best. Absolutely, yeah. You know, if not the best. From Gadar kind of to Z5 has. I'm talking about Bollywood, especially Indian movies. Some of the best films. I've been meaning to. I got some time off, and I wanted to catch up on some films. Every day, so much. So most of the stuff was on Z5. And but I'll tell you what. I think ज़रूरी बात ये भी है. एक तो हमारी personal खुशी होती है, but at the end of the day, it's, and again, like whether you know you're doing a street play or a stage play or anything, it's the audience will vary. I mean, sometimes you know you're doing a small intimate if you're performing. Ishaq, I've done a play with 7 people came. आपके छोटी सी. And I've gone to a film festival where there were 1500 people. 1500. Yeah. हर एक performance की it's like you know you need an audience, and what is that audience? You know how they respond to it.
So as long as, of course, we correct. Want it to raise it. How do they respond to it? The 1500 people must have could have hated the film. Yeah. And the 7 could have loved it. Love Which it. One do I prefer? Chahe lakh dekhen, chahe 10 lakh dekhen, main kehta hun chahe hazaron mein dekhen. But you know, what is their reaction? Yeah. Unko kitni, how has it, is it serving its purpose, you know, by tugging onto their heartstrings and getting the message across? I think that is most important. And aap ek bar library dekho Z5 ki, you know, from Son Chiraiya, Manoj Bajpai, you know, Bhumi Pednekar to the recent release, 11-11. Aparshakti ki bhi bimari hai. Kya mast kaam karta hai yaar. Mast kaam karta hai. Atul Sabharwal directed. Jisme kahani hai, jisme kahani Ishwar Singh ki bata rahe hai. Pata nahi kaun. Usko kahan se le liya. Look, is it fun to see a movie in a cinema hall? Of course it is. Who's denying that? Of course it is. It's a different experience. But that doesn't mean that the any other... Look, that phone experience. I've watched some phenomenal cinema on my own on a plane. Yeah. And I've messaged my friend saying, guys, this is amazing. Watch it. Honestly, you forget ki the screen ka size kitna bada hai. All right. So guys, ye segment hai. Who is most likely to? So aap sabko isme participate. I like this a lot. Who is most likely to? I love it. So mujhe rules batane ki zarurat nahi hai. No, nahi, bilkul nahi. We know it. Aapko sirf control. We are all Gen Z. We are all Gen Z. Who is most likely to? Control karwane ki zarurat hai bas. You know, I don't believe in this. I'm not an ageist, Gen Z, millennial, baby boomers. We either you're alive or you're dead. I know. Okay. And come on, alive, alive and kicking. So, who is most likely to forget their lines and improvise and do the best possible job? These lines, sign language. Yeah. You can't ask this question of Berlin. Yeah. But out of you two, ऐसा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है इस कमरे में. सारे lines याद करके आते थे और खड़ा-खड़ दे देते थे. But again, improvise करना भी एक आर्ट है. ये फिर, I think sir will be, Atul sir will be able to answer. Atul, you have to answer this question. Who's most likely to forget lines? Forget lines, improvise and do a great job of it. Deepak Kazi. There you go. Next. Wow. All right. Who is most likely to have a Finstagram account? Do you guys what know is what's a Finstagram? Instagram kya? What is Finstagram? Sorry, wait. Okay. Fake Instagram. Fake Instagram. Why? Why do only only Rahul Bose? Nobody else. Nobody else can do this. But what does it say about me? Bosey. Let me. No. It will be some. Let's say Shanaya Wadhwa. So you're stalking people. Just me. People make it to stalk other people. PP. Yeah. This is supposed to be banter. You've gotten. You made this personal. Now you watch. Next 5 days, PP, you watch now. I was kidding. I am going to start a Instagram account. And I'm no. I was kidding. No. Done. Akriti is coming today, no? Yeah, she is. She's lost 10 kilos. Oh, God. यारो मैंने पंगा ले लिया भाई मैं यही मिसिंग है आज आपकी आवाज ही सुनी थी आज मेरा गला खराब है राइट जी ठीक है हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट देयर पार्टनर्स बर्थडे आई डोंट नो अतुल सर I don't know each other. We don't forget anybody's birth. Atul. और ये अच्छी बात है कि खुद ही accept कर लिया। मैं वैसे एक बात बताऊँ, मैं partner का birthday शायद नहीं भूलूँ, लेकिन मैं birthdays याद रखने में बहुत बुरा। Same. बहुत बुरा। And I don't know कि इतनी क्यों importance देनी है, ठीक है? Important होना मैं मुझे वैसे आपका date याद आएगा। Don't forget my birthday. 18th November. 18th November. I remember. All right. So who is most likely to cancel plans at the last moment? Oh, this is a good one. Let me just guess. This is, you must guess. Ishfaq. I have had an experience. Batao main. Nikambe. Batao ki nahin. I'm sitting in the restaurant. Waiting. Acha. Studio up. I'm waiting in the restaurant. But yeah, that Apar can do. He's done that to me also. I'm sitting in the office. He said, sir, aas paas hoon, aa jaun. Aur phir agle din, sir, sorry, main kal aa nahi paya. वो तो ठीक है यार ये मेड अ प्लान आई एम सिटिंग इन द रेस्टोरेंट वेटिंग फॉर अपार वेयर आर यू लॉन्ग साइलेंस आई कैन फील हिम शेकिंग लाइक दिस देन सर सर यार मेरे से फ्राइडे सैटरडे की कंफ्यूजन हो गई यार और सर पहुंच गए ऑलिस मेरी फट गई आई वाज लाइक मैं ये क्या हो गया मुझसे चलो ये लाइन काट देना आई एम सो सॉरी अबाउट दैट नहीं अपार ओ गॉड सो हु इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट अ रूमर आई वुड लव टू स्टार्ट अ रूमर Okay. Who is most likely to break the world record in eating? Eating? Yeah. All of us, I think. He can eat. Bhooka ek hi hai iska. Jo khane ke baad bhi khana hai. Most likely to become I think foodies sare hain lekin
जो असली इश्क है वो मेरा इश्क वाक्को है. ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू बिकम अ सक्सेसफुल प्राइवेट डिटेक्टिव? आई थिंक राहुल बोस एंड अतुल सबरवाल. नो, अतुल सबर. या या, अतुल सर अतुल सबरवाल हैज गॉट दैट. जिन्होंने ये लिख दिया वो तो खुद बहुत हाईली अनरिलायबल पर्सन. या या, सर आप अग्री कर रहे हैं? अब 100%. ऑलराइट, हु इज मोस्ट लाइकली टू किल लेडीज विद हिज स्माइल? Rahul Bose. No, come on. It has to be only Rahul. Come Rahul on, look at these boys. I think Rahul, it's you. No. Yeah. No. She wanted to say Rahul Bose. That's why she made this question. Yeah, she's answered. She's answered. Yeah. They will die because I have bad breath. But they will die because of these guys. The gentle, shy smile and the attractive. But ek bari, wo genuine wali smile kar do na. Ek bari, matlab, let the audience decide. That was puppy face. What is this puppy face? Rahul, that's your camera. Smile. I only smile when I get paid. लाओ भाई आरती. रिष्टि एंड आरती आर जस्ट शेकिंग लाइक दिस नाउ. नेक्स्ट. सो गाइस, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे ही लोग बर्लिन मूवी देखकर खत्म करेंगे तो क्या एक ऐसी चीज होगी जो उनके दिमाग में एकदम स्टक हो जाएगी? आई थिंक साइन लैंग्वेज की तरफ एक बहुत कमाल का प्यार, एक 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 इज्जत, एक एंड रिकॉग्निशन एंड दर्जा. मैं दर्जा ही बोलने वाला, वो दर्जा देना ऑफ 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 एन इक्वल लैंग्वेज. I think that should be, and that's a, I think that victory bhi film ki wahi ho. See, I view sign language as very differently because I wrote it. I didn't have to learn it, but agar aap koi bhi dance form le, Bharatnatyam, Kathak, wo bhi hao bhao aur mudraon se ek kahani hi kehne ki koshish kar rahe hain. So I think if this can elevate or bring into the popular culture the role of, that the sign language can also play in telling stories. See, I read a quote long ago. There's a book called Pattern on the Stone by Daniel Hillis, which is about computers. It has nothing to do with movies. But it says, like, each language has its Shakespeare. Computer language also has. Like, you can read some people's written programs and you feel as if you've written read a good narrative, whereas other people's program, though they work technically, but when you read them, they read like utter crap, you know. So same goes for sign language. And I think what, if this film can help them achieve, is that, you know, when you use this as a form of expression, because it's not translation, you know, it has its own syntax. It's not like Braille ke उन्होंने अंग्रेजी को ब्रेल में कन्वर्ट करके, जो कि छूने से आप पढ़ते हो रादर देन देखने से. इफ इट कैन अचीव दैट इफ द थ्रू द फिल्म, देन दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट. एक आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग दैट इट्स, यू नो, इट्स लाइक द बिगेस्ट टेक अवे इज दैट इफ यू वाइडन द होराइजन, स्पेशली फ्रॉम, बिकॉज आई काइंड ऑफ प्लेड दैट कैरेक्टर, इट्स अबाउट व्हाट दिस फिल्म हैज टॉट मी एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इज टू बी प्राउड ऑफ योर, you know, we all have our unique way of communicating with outside world. Wo tooti hui zuban ho sakti hai, hamari regional language ho sakti hai, mother tongue ho sakti hai, but because of, you know, external pressures, we want to sound, look a certain way. What this has taught me, and like that was a part of the a character arc towards the end, he's proud of, you know, what he is and who he is, you know, what he stands for. So we should be proud of our original voice, you know, which is something that was a takeaway for me from the film. Thank you. Thank you so much.